हेलो फ्रेंड, मैं हूं ईशान और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जनरली क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को जब भी मिलते हैं ना, तो हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है, किस तरीके से लोगों से बात करता है, उसका हॉबीज क्या है। वो हम लोग जज करने की कोशिश करते हैं। कई बार हमने ये भी देखा है कि राशि फल हो या फिर हथेली देखकर भी कोई अपना भविष्य देखना चाहता है या उसे जज करना चाहता है। लेकिन एक और चीज है जिससे आप किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी जज कर सकते हैं। जापान और साउथ कोरिया में तो इसकी काफी थियरीज है। यह मैं बात कर रहा हूं ब्लड ग्रुप से आप किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं। जापान और साउथ कोरिया में काफी ऐसी थियरीज है जिससे ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये व्यक्ति का नेचर कैसा होगा, ये स्वभाव कैसा होगा, ये इस तरीके इंट्रोवर्ड होगा, आउट्रोवर्ड होगा, क्रिएटिव होगा, नहीं होगा, ये सारी बातें ब्लड ग्रुप से ये लोग जज लगाते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कौन से ब्लड ग्रुप वाले का क्या स्वभाव होता है, क्या उनकी खासियत होती है, क्या उनकी कमियां होती हैं, ये सारे डिटेल आज इस वीडियो में जानते हैं। तो ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें तो ब्लड ग्रुप मेनली दो एंटीजेंस के आधार पर डिवाइड होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं, ए और बी के आधार पर, और इसकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी के आधार पर इसके चार टाइप में इसे क्लासिफाइड किया गया है। टाइप ए ब्लड ग्रुप, टाइप बी ब्लड ग्रुप, टाइप ए बी ब्लड ग्रुप और टाइप ओ ब्लड ग्रुप। अब टाइप ए में 100% ए एंटीजेंस पाए जाते हैं, बी की गैर मौजूदगी होती है। टाइप बी में सेम बी पाया जाता है, ए की गैर मौजूदगी होती है। टाइप ए बी में दोनों पाए जाते हैं और टाइप ओ में एक भी, ए या बी दोनों में से कोई भी एंटीजेंस नहीं पाए जाते हैं। अब हम समझते हैं कि इन ब्लड ग्रुप के टाइप के क्या पर्सनालिटी धराते हैं, कैसा स्वभाव होता है, कैसा नेचर होता है, क्या उनकी खासियत होती है, क्या उनकी कमियां होती है। तो पहले बात करते हैं टाइप ए ब्लड ग्रुप वाले कैसे हो सकते हैं। तो देखिये, टाइप ए ब्लड ग्रुप वाले लोग स्मार्ट होते हैं, पैशनेट होते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं और इसके साथ साथ वो लोग हर चीज में सोच समझ कर फैसला लेते हैं, हर चीज को सीरियसली लेते हैं। इनके ब्लड ग्रुप के अंदर, ब्लड के अंदर जो कोर्टिसोल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है दूसरे ब्लड के अनुसार, तो ये लोग थोड़े शांत होते हैं, पोलाइट होते हैं, झगड़ों से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं, शाय नेचर के होते हैं। लेकिन देखिए, शांत है और शाय नेचर के है, फिर भी इनमें एक खूबी ये होती है कि ये लोग जिद्दी और पैशनेट होते हैं। ये लोग अगर किसी का साथ देना तो लंबे तक साथ देते हैं और इनका जो दर्द होता है, उनको जो तकलीफ होती है, उन्हें ज्यादा लोगों से शेयर नहीं करते। अगर कोई टाइप ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति आपसे उसका प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो समझ लीजिए आप उसके बहुत करीब है, वो आपको बहुत अपना मान रहा है तभी शेयर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो टाइप ए ब्लड ग्रुप वाले लोग अक्सर स्मार्ट होते हैं, पैशनेट होते हैं, एक्टिव होते हैं, हर एक बात में सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, सीरियस नेचर के लोग होते हैं, शाय और पोलाइट बहुत ज्यादा। अब बात करें टाइप बी ब्लड ग्रुप वाले लोग कैसे हो सकते हैं। तो टाइप ब्लड ग्रुप वाले लोग टाइप ए से बिल्कुल ऑपोजिट ही होते हैं, जैसे कि ये लोग टाइप बी ब्लड ग्रुप वाले क्विक डिसीजन लेते हैं, क्रिएटिव होते हैं और थोड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। आप इन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, टाइप बी जो ब्लड ग्रुप है उनको आप प्रिडिक्ट नहीं करते, उनका दिमाग 24/7 चलता है, इसीलिए क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा टाइप बी ब्लड ग्रुप वालों के अंदर होती है और इन्हें प्रिडिक्ट करना ना के बराबर होता है। आप उन्हें जज नहीं कर पाओगे क्योंकि उनका दिमाग तेजी से चलता है, सबसे ज्यादा 24 घंटे उनका दिमाग चलता है, तो एक क्विक डिसीजन वाले होते हैं और क्रिएटिव। अब बात करते हैं टाइप ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग कैसे हो सकते हैं। तो कि टाइप ए बी ब्लड ग्रुप वाले यानी कि ए और बी, तो इन दोनों का मिक्सचर से वाले हो सकते हैं, तो दोनों का अच्छा और दोनों का बुरा इनमें आ सकता है। तो देखिए, ये लोग चार्मिंग होते हैं, हम्बल होते हैं, इन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले होते हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लेने वाले होते हैं। लॉजिक और ऑब्जर्वेशन पावर टाइप ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों का बहुत अच्छा होता है और ये लोग क्या करते हैं कि दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों की परवाह ज्यादा करते हैं, खुद की परवाह बहुत कम करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि खुद की चीजों का उनको नहीं ध्यान होता है, वो भुलक्कड़ टाइप के होते हैं, लेकिन दूसरों का उनको बहुत केयर होती है, दूसरों के बारे में वो ज्यादा सोचते हैं। तो टाइप ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं जो अक्सर आप पाएंगे कि वो किसी न किसी की कहीं ना कहीं मदद अगर किसी ने की होगी ना, तो ज्यादातर में से
10 में से 5-6 तो ये एबी वाले ही आपको मिल जाएंगे। तो ये लोग बहुत ही हम्बल होते हैं, बहुत चार्मिंग होते हैं, दूसरों की हेल्प करने में बहुत मानते हैं, इस तरह से ये टाइप ए बी ब्लड ग्रुप वाले ऐसे होते हैं। अब बात करते हैं टाइप ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग कैसे होते हैं। तो देखिए टाइप ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग सबसे अलग होते हैं, हटके होते हैं, ये शांत होते हैं, इंडिपेंडेंट ज्यादा होते हैं यानी कि, और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, थोड़े जेलस टाइप के भी ज्यादा होते हैं क्योंकि इनका ध्यान सबसे ज्यादा इनके काम में होता है। वर्कहोलिक सबसे ज्यादा होते हैं, अगर आप वर्कहोलिक देखोगे तो टाइप ओ वाले वर्क की क्वालिटी कुछ अलग ही लेवल की होगी। तो ये लोग वर्कहोलिक ज्यादा होते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं ये लोग जेलस भी होते हैं। और इनमें एक चीज बहुत ज्यादा पाई जाती है कि ऑनेस्टी को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। अगर आप किसी ओ ब्लड ग्रुप वाले को चीट करते हैं या प्रॉमिस करते हैं, अगर प्रॉमिस करते हैं तो सोच समझ कर प्रॉमिस कीजिएगा, टूटे नहीं इस तरीके, क्योंकि एक बार टूटेगा तो इनका भरोसा जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो टाइप ओ ब्लड ग्रुप वाले क्या होते हैं, शांत होते हैं, सेल्फ सेंटर थोड़े ज्यादा होते हैं और वर्कहोलिक ज्यादा होते हैं और ऑनेस्टी को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। अगर आप उनके साथ प्रामाणिक रहते हैं तो वो बहुत आपका साथ लंबे तक देंगे, लेकिन अगर आपने चीट किया और प्रॉमिस तोड़ा कहीं ना कहीं, तो फिर से उनका भरोसा जीतना बहुत मुश्किल या फिर नहीं जीत पाएंगे। तो इस तरीके का होता है टाइप ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी कि आपको अगर किसी की पर्सनालिटी जज करनी है ब्लड ग्रुप के आधार पर, तो आपको ये अंदाजा आ जाएगा कि अगर इसका ब्लड ग्रुप ये है तो ये इस तरीके का पर्सनालिटी उसकी हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये थी इन्फॉर्मेशन कि किसके ब्लड ग्रुप टाइप के लोग क्या पर्सनालिटी हो सकती है, उनकी क्या खूबी हो सकती है, क्या कमी हो सकती है, क्या उनका नेचर हो सकता है, ये आप ब्लड ग्रुप के आधार पर आप जज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा, और कमेंट में आप अपना ब्लड ग्रुप कौन सा है वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप कौन से टाइप का ब्लड ग्रुप धराते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।